हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश बारबात्रे और मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जो कंट्री थी जो स्टार्ट हो रही थी कैपिटल लेटर ए से, ओके, जो ए से स्टार्ट होने वाली जो कंट्री थी, पिछले वीडियो में हमने जो उसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे जो कंट्री बी से स्टार्ट होती है उनके बारे में, ओके, जो हमारे वर्ल्ड की कंट्री जो बी से स्टार्ट होती है उनके बारे में। ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सबके लिए जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंक एग्जाम्स हो गया, स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवेज, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको आपको अंत तक देखते रहना है, बीच में आप इसको स्किप मत कीजिए, बिकॉज अगर आप स्किप करते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है। फाइन, उससे सबसे पहले एक कोट आपके लिए मैं लेके आया हूं, जैसे कि हम डेली लेके आते हैं, बोल रहे हैं, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होकर निराश मत बैठना कभी मन को अपने मार, आगे बढ़ते रहना सदा चाहे हो समय की मार, पा लेती है मंजिल चीटी भी गिर गिर के हर बार। ओके, आपको अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, अभी जो समय है कोरोना पेंडेमिक की वजह से थोड़ा खराब चल रहा है, बट जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। सबसे पहली जो बी से शुरू होने वाली कंट्री है बहामस, ओके, बी से शुरू होने वाली सबसे पहली कंट्री हमारी, हम देखेंगे बहामस। देखिए, ये जो है कैरिबियन में देश है बहामस। फाइन, अधिकाधिक तौर पर द बहामस के राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। ये देश कैरिबियन के वेस्ट इंडीज के लुसियन द्वीप समूह के भीतर ये जो है देश आता है। फाइन, बहामस, इसकी कैपिटल है नसाऊ, इसकी करेंसी है डॉलर। देखिए, ये इसको आपको मगअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहामस है तो आपको एग्जामिनेशन में ये डॉलर यही टिक करना है, ओके, यही देगा वो, ये बहामियन डॉलर। आप सबको वो तो सभी को पता है बहामस की बहामियन डॉलर है, राइट, अमेरिकन डॉलर तो नहीं हो सकती इस वजह, इस तरीके से, ओके। इस कंट्री करेंसी को जब आप याद करते हो तो सिर्फ आपको ये सिंपल ये करेंसी याद करनी है। फाइन, इसमें जो प्राइमरी लैंग्वेज जो बोली जाती है वो है इंग्लिश। थोड़ा सा जान लेते हैं बहामस के बारे में, ओके, ये जो बहामस है इनके प्राइम मिनिस्टर पीएम, इनके पीएम है, आपको याद रखना है, हुबर्ट मिनिस, हुबर्ट मिनिस, ओके, ये जो है इनके प्राइम मिनिस्टर है। इनकी पॉपुलेशन थोड़ी जान लेते हैं, ये इनकी पॉपुलेशन है इस कंट्री की 393,244, इसकी पॉपुलेशन इतनी निकल गई थी बहामस कंट्री की। फाइन, आप देख पा रहे हो जो कंट्री है बहामस, ये वर्ल्ड मैप से, गूगल मैप जो है उनसे मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। फाइन, आप देख सकते हो ये बहामस के जो है ये जो आजू बाजू में है पूरा आपको सी दिख रहा होगा, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है वो है सी। फाइन, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये लुसियन द्वीप समूह जो है इसके भीतर का एक देश है, लुसियन द्वीप समूह, राइट, उसके आप देख पा रहे हो कि साउथ में क्यूबा कंट्री है। फाइन, क्यूबा जिसकी कैपिटल है हवाना, और इसके जो नॉर्थ वेस्ट साइड में है आप देख पा रहे हो टाम्पा फ्लोरिडा, ओके, टाम्पा जो है फ्लोरिडा है जिसकी कैपिटल टाम्पा है। फाइन, तो ये जो है बहामस के बारे में आपने इतना कुछ जान लिया। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बहरेन, नेक्स्ट कंट्री है आपकी बहरेन, ये बहुत ही फेमस कंट्री है, इसके बारे में डेफिनेटली वो पूछते हैं एग्जामिनेशन में। ये सभी कंट्री ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है जो मैं ले रहा हूं, ओके, उसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इसकी कैपिटल है मनामा, बहरेन की कैपिटल मनामा, और इसकी करेंसी है डिनार, ओके, इसकी करेंसी है डिनार, इसमें अरबिक लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। बहरेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लाया हूं यहाँ पे। ये जो है ये एक सोवर्जन स्टेट है, ये एक सोवर्जन स्टेट है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये सोवर्जन क्या होता है। फाइन, ये जो है
देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये एक टेरिटरी है, फाइन टेरिटरी है, जिसकी खुद की एक गवर्नमेंट होती है। सोवर्जन जो होती है उसकी खुद की गवर्नमेंट होती है, वो दूसरे की गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होता, खुद की गवर्नमेंट होती है उनकी। और जो है वो किसी और अनदर पावर पे डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, किसी और कंट्री के या फिर टेरिटरी के पावर पे डिपेंड नहीं होता, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट पावर है। फाइन, सोवर्जन स्टेट मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट पावर। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट पावर। ओके, तो ये जो है बहरेन उसी की कंट्री है, सोवर्जन स्टेट है ये, जिसका खुद का गवर्नमेंट है और ये जो पावर है किसी और के पावर पे ये कंट्री जो है वो डिपेंड नहीं है। ओके, इसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बहरेन के। इसके पीएम है, याद रखिए, खलीफ खलीफ बिन सलमान, सलमान अल खलीफा, अल खलीफा। ओके, ये इनके पीएम है। ओके, थोड़ा सा लंबा नाम है, खलीफ बिन सलमान अल खलीफा। ओके, इसकी पॉपुलेशन है, छोटी सी कंट्री है बहरेन, इसकी पॉपुलेशन है 15.7 लाख, 15.7 लाख। ओके, 2018 में ये जो है 15.7 लाख इसकी पॉपुलेशन निकल के आती थी, राइट। और ये जो आप देख रहे हो आजू बाजू में, पूरा यहाँ पे समुन्दर दिख रहा है, राइट। बहरेन के आजू बाजू में आपको समुन्दर दिख रहा है, इसलिए आपको पहले बता था कि ये पार्सियन गल्फ में जो है कंट्री लोकेटेड है। ओके, बहरेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की ओर। नेक्स्ट कंट्री वेरी फेमस, बांग्लादेश, आप सभी को पता होगा बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश जो है ये अपने इंडिया के ईस्ट में आता है। देखिए ये जो अपना, देखिए अपनी भारत माँ, भारत माता इंडिया, इसके ईस्ट साइड में ये जो है बांग्लादेश है। ओके, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के नॉर्थ में भूटान वगैरह ये जो है देश आते हैं। इसके साउथ में तो ये पूरा सी है, फाइन, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सी है, ब्लू वाला ओशियन है। ओके, बांग्लादेश की कैपिटल, कैपिटल है ढाका, उसकी करेंसी है टका, उसकी करेंसी है टका, और उसमें बेसिकली बांग्ला लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है बांग्लादेश में। ओके, इसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग बांग्लादेश के। इसके प्रेसिडेंट है, इसके प्रेसिडेंट जो है इस कंट्री के, वो है अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपको पता होगा, वेरी फेमस, कौन है? शेख हसीना। ओके, शेख हसीना। ओके, फाइन। इसकी पॉपुलेशन जान लीजिए, इसकी पॉपुलेशन है 2018 के हिसाब से 16.14 करोड़, 16.14 करोड़ बांग्लादेश की पॉपुलेशन निकल के आती है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री है आपकी बारबेडोस, बारबेडोस, फाइन। बारबेडोस ये जो है ये ईस्टर्न कैरिबियन आइसलैंड पे लोकेटेड है। देखिए आइसलैंड जब भी बोलता हूं मैं, तो मैक्सिमम केस में यहाँ पे जो है ओशियन आपको दिखाई देता है, राइट। ईस्टर्न कैरिबियन आइसलैंड, ओके, ईस्टर्न कैरिबियन आइसलैंड जो है यहाँ पे, ये जो है कंट्री सिचुएटेड है। इसका जो कैपिटल है वो देखिए ब्रिज टाउन। ओके, ये जो दिख रहा है आपको ब्रिज टाउन, इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी है डॉलर, ओके, बारबेडियन डॉलर, और इसमें बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जो है बोली जाती है। ओके, इंडिपेंडेंट ब्रिटिश नेशन है। ओके, बारबेडोस जो है वो इंडिपेंडेंट ब्रिटिश नेशन है, फाइन। इसके प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर जो है बारबेडोस के, वो है मिया मिया अमर मोटली, मोट ली एक लेडी है। ओके, मिया अमर मोटली, तो ये जो है इनके प्राइम मिनिस्टर है बारबेडोस के, फाइन, ध्यान में रहेगा आपके, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है कभी भी आपको, फाइन। दो तीन मार्क आपको, अगर ये आप कर लोगे तो दो तीन मार्क जो है आपके, 3 से 4 मार्क आपके कंफर्म होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कंट्री है आपकी बेलारूस, बेलारूस। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये जो है रशिया के नॉर्थ ईस्ट में आती है बेलारूस। ओके, रशिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है ये बेलारूस आती है। ओके, इस साइड में जो है रशिया कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट में जो है बेलारूस है इसके, फाइन।
चलिए ये एक आपको बताता हूँ, ये बेलारूस जो है ये है एक यूरोपियन कंट्री है, ओके यूरोपियन कंट्री है बेलारूस, फाइन बेलारूस। उसके बाद में इसके पीएम, आप सबसे पहले कैपिटल जान लेते हैं, मिन्स्क, ओके मिन्स इसकी कैपिटल है और करेंसी है इसकी रूबल, फाइन इसकी करेंसी है रूबल बेलारूस की। इसमें प्राइमरी लैंग्वेज जो बोली जाती है बेलारूशियन और रशियन लैंग्वेज इसमें जो है बोली जाती है, राइट फाइन। रशियन लैंग्वेज आपको पहले ही बोला था कि इसके नॉर्थ ईस्ट, रशिया के जो नॉर्थ ईस्ट में ये बेलारूस आता है, फाइन। इसकी आपको कैपिटल हमने जान लिया है, मिन्स्क है, फाइन। और ये जो है बेलारूस, इसके प्राइम मिनिस्टर आपको ध्यान में रखने हैं, इसके पीएम है बेलारूस के सीआर हेज रूमस, इसके पीएम है। इसकी पॉपुलेशन है 94.9 लाख, 94.9 लाख अकॉर्डिंग टू द 2018, फाइन, टू द 2018 के हिसाब से, ओके फाइन। बेलारूस कंट्री, बेलारूस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड में आप लिथुआनिया जो है यहाँ पे ये कंट्री है, इसके जो साउथ ईस्ट साइड में है क्यू, राइट आपको दिखाई दे रहा होगा, फाइन। ये तो है बेलारूस के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कंट्री है आपकी बेल्जियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स और इसकी करेंसी है यूरो, फाइन इसकी करेंसी है यूरो, राइट। यूरोपियन कंट्री है इसलिए ऑब्वियसली इसकी करेंसी जो है यूरो निकल के आती है, फाइन। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बेल्जियम के बारे में आप देख पा रहे हो वर्ल्ड मैप में ब्रुसेल्स जिसकी कैपिटल है, ओके फाइन। इसके पीएम आपको ध्यान में रखने हैं, पीएम ध्यान में रखिए, सोफी विल्मस, ओके सोफी विल्मस इसके जो है पीएम है, फाइन। इसकी पॉपुलेशन है इस कंट्री की 1.15 करोड़, ओके 2019 के डेटा के हिसाब से, ओके। एक बात आपको बेल्जियम के बारे में बता दूं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि बेल्जियम ये जो है बहुत ही फेमस कंट्री है, ओके। यूरोपियन यूनियन आपको पता है, ईयू, यूरोपियन यूनियन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम है। और नाटो आपको पता होगा, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जो है वो बेल्जियम में ही है, फाइन। ये ध्यान में रखिए, अगर ये हेडक्वार्टर्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में बहुत ही एक्सप्लेनरी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, फाइन। बेल्जियम के देखिए इस साइड में जर्मनी है, राइट, इसके नॉर्थ साइड में नेदरलैंड आता है और आप देख सकते हो इसके जो है साउथ साइड में ये है फ्रांस आता है, फाइन। ये जो पूरा एरिया जो है ये फ्रांस का एरिया है, ओके। बेल्जियम के बारे में, इसमें बोली जाने वाली प्राइमरी लैंग्वेज है डच, के फ्रेंच और जर्मन जो है, ये तीन लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं बेल्जियम में, फाइन। जान गए बेल्जियम के बारे में, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट कंट्री है बेलाइज, बेलाइज इसके कैपिटल है, इसका जो कैपिटल है बेलमोपेन, राइट बेलमोपेन इसका कैपिटल है और इसकी करेंसी है डॉलर, फाइन। बेलाइज इसकी करेंसी है डॉलर, ये सेंट्रल अमेरिका की जो है कंट्री है। देखो जो जो कुछ भी यूएस के कंट्रीज वगैरह होते हैं, सेंट्रल यूएस वगैरह, अमेरिका के वगैरह जो कंट्री है, उसकी करेंसी ऑब्वियसली क्या होंगी, डॉलर होंगे, फाइन। और इसमें करेंसी सेंट्रल यूएस की कंट्री है बेलाइज, ओके सेंट्रल यूएस की कंट्री है बेलाइज, तो उसकी करेंसी जो है, सॉरी प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो भी क्या है, इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती है, ओके। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, आप देख पा रहे हो इसके ईस्ट में ये जो है ओशियन आपको दिखाई दे रहा है नीला नीला, ओके। इसके पीएम है, ये जो बेलाइज कंट्री है इसके पीएम आपको ध्यान में रखना है, इनके पीएम है इन कंट्री के डीन बारो, BARROW, फाइन। इसके पॉपुलेशन है इस कंट्री की 3,97,628, ओके 2018 के हिसाब से, 2018 अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2018, फाइन, ओके ध्यान में है बात आपको। चलो नेक्स्ट बेनाइन, ओके नेक्स्ट कंट्री हमारी बेनाइन, बेनाइन बेनाइन जो है ये वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, इसको ध्यान में रखिए, वेस्ट अफ्रीका की जो है कंट्री है बेनाइन,
इसकी कैपिटल आपको ध्यान में रखनी है पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप बेनाइन की, ये जो है टोटल, ये बेनाइन का टोटल ये एरिया है, ओके इस कंट्री का मैप है पोर्टो नोवो, ओके इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक, वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक, जैसे कि मैंने आपके बताया कि वेस्ट अफ्रीका की ये कंट्री है और इसमें बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। फाइन, बेनाइन जो कंट्री है इसके प्राइम मिनिस्टर, इसके प्राइम मिनिस्टर है जिन सौ, जेड आई एन एस ओ यू, जिन सौ, ओके ध्यान में रखिए ये बात। और इसकी पॉपुलेशन निकल के आती है टोटल 1.15 करोड़, ओके 1.15 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, भूटान सभी जानते हैं भूटान को। फाइन, इसकी कैपिटल है थिम्पू, ओके इसकी करेंसी है गल्ड्रम, गल्ड्रम, ये जो एन है उसको साइलेंट रखा जाता है बेसिकली, और इसकी प्राइमरी लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है वो है जोंखा, राइट जोंखा। भूटान आप देख पा रहे हो ये जो अपनी भारत माँ है, फाइन इसके भारत माँ के ये ईस्ट साइड में ये जो है छोटी सी आपको यहाँ पे दिख रही है भूटान कंट्री, ओके छोटी सी ये जो है भूटान कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन देखिए 7.54 लाख ओनली, 7.54 लाख ओनली, ओके आपको पता है भूटान जो है एक बुद्धिस्ट किंगडम है, ओके यहाँ पे बुद्धिज्म जो है बुद्धिस्ट किंगडम है ये भूटान। फाइन, और आपको पता होगा ये जाना काहे के लिए जाता है, ये जाना जाता है भूटान कंट्री जो है वो स्लिप माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे और जो है वैलीज के लिए जो है ये कंट्री जानी जाती है भूटान, ओके फाइन। इसके प्राइम मिनिस्टर आप ध्यान में रखिए, देखिए जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए, फाइन लोटे एल ओ टी ए वाई, लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग, ओके ये टी जो है यहाँ पे साइलेंट लगा जाता है। फाइन, भूटान थोड़ा सा गरीब देश है आपको पता होगा, फाइन शायद इस देश में थिएटर्स भी अवेलेबल नहीं थे मेरे हिसाब से भूटान में। नेक्स्ट कंट्री देखिए बोलीविया, बोलीविया, ओके बोलीविया जो कंट्री है ये कंट्री आपको बताता हूँ साउथ अमेरिका की कंट्री है, ओके साउथ अमेरिका की ये जो है कंट्री है बोलीविया। फाइन, इसकी कैपिटल देखिए लापाज सुक्रे, ओके और बोलीवानो इसकी करेंसी है। इसमें बेसिकली लैंग्वेज जो बोली जाती है वो है स्पेनिश, क्वेंचा और एमरा, ओके स्पेनिश, क्वेंचा और एमरा। इसके पीएम, ओके बोलीविया के पीएम आप ध्यान में रखिए, इनके पीएम है जे नाइन एनिज चावेज, जे नाइन अनीज चावेज, ये इनके पीएम है। ये बातें जो है मैं बता रहा हूं आप नोट कर दीजिए अपने नोटबुक में। फाइन, देखिए वर्ल्ड मैप में जो बोलिया है बोलिविया, ओके जो है इस टाइप से दिखता है बोलिविया। फाइन, इसके आप नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे ब्राजील सिचुएटेड है। फाइन, नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे आप इसके तो पेरू, राइट पेरू सिचुएटेड है, ओके साउथ ईस्ट में आप देखेंगे तो पैराग्वे है और ये जो है साउथ वेस्ट में आप जाएंगे इसके तो ये चिले कंट्री है यहाँ पे, ओके फाइन बोलिविया। चलो इसकी पॉपुलेशन जो है 1.14 करोड़ इतनी निकल के आती है। फाइन बोलिविया, नेक्स्ट कंट्री देखते हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना ये कंट्री है, ओके तो ये जो है बाल्कन्स में सिचुएटेड है, ये कंट्री सिचुएटेड कहां पे है तो ये बाल्कन्स में सिचुएटेड है। फाइन, यहां पे देखो इसकी कैपिटल है सारा जेवो, सारा जेवो, और उसकी करेंसी है कन्वर्टिबल मार्क, कन्वर्टिबल मार्क, और इसमें बेसिकली जो लैंग्वेजेस बोली जाती है बोस्नियन, क्रोएशियन और सर्बियन, ओके फाइन। ये देख पा रहे आप वर्ल्ड मैप में बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ओके इसके पीएम आपको ध्यान में रखना है, पीएम कभी भी पूछे जा सकते हैं जोरन टेगेल टीजा। फाइन, ओके इसकी पॉपुलेशन है 33.2 लाख, इसकी पॉपुलेशन है। फाइन, ध्यान में आया बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ओके फाइन। नेक्स्ट कंट्री की ओर बढ़ते हम लोग,
बोत्सवाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बोत्सवाना। ओके, इसकी कैपिटल है गैबोरोने, करेंसी है पुला, और इसमें बेसिकली इंग्लिश और स्वाना लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली जाती है। आपको बता देता हूँ, ये जो है कंट्री साउथ सदर्न अफ्रीका की कंट्री है बोत्सवाना, सदर्न सदर्न अफ्रीका, यहाँ पे जो है इसकी कंट्री है ये बोत्सवाना। फाइन, इसके प्रेसिडेंट हम लोग जान लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं, ध्यान में रखिए, मोक विट्सी मासीसी, मोक विट्सी मासीसी। ओके, इसकी पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं, वो है 22.5 लाख। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2018। फाइन, बोत्सवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राजील, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, आपको पता होगा। इसकी कैपिटल है ब्रासिलिया, करेंसी है रियाल, और इसमें बेसिकली पोर्तुगीज लैंग्वेज बोली जाती है ब्राजील में। ओके, ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। फाइन, ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है ब्राजील। ओके, ब्राजील देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ब्राजील कंट्री है। ओके, वर्ल्ड मैप में इसके आप अगर आओगे यहाँ पे, ओके, साउथ में, तो यहाँ पे बोलीविया अभी देखा आपने, और पाराग्वे, ये जो है यहाँ पे कंट्रीज है। उस आप अगर ऊपर जाते हो, ओके, गुयाना, ये जो है वेनेजुएला वगैरह इसके कंट्री है, राइट, नॉर्थ में। फाइन, इसके प्रेसिडेंट आपको पता है ब्राजील के कौन है? देखिए कहाँ पे, कहीं मतलब कंट्री के मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट, कहीं कंट्री के मैं बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर जो है। देखिए हमारे जो इंडिया है, इसके प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी है। फाइन, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, बट अपनी जो कंट्री है इंडिया, उसको गवर्न करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ओके, श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट। तो उसी प्रकार से जो है, ये जो ब्राजील कंट्री है, फाइन, ये जो ब्राजील कंट्री है, वहां पे उनकी गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा उनके रूल की जाती है। ओके, समझ में है आपको? तो इनके प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है फिलहाल में जेर बोलो बोल्सो नारो, जेर जेर बोल्सो नारो। फाइन, ब्राजील के ये जो है प्रेसिडेंट है। इसकी जो पॉपुलेशन है 20.95 लाख, 20.95 लाख इसकी पॉपुलेशन है। ओके, ध्यान में रहेंगे आपके। लास्ट कंट्री है जो बी से स्टार्ट होने वाली है, वो है ब्रुनेई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसकी कैपिटल देखिए बंदार सेरी बेगावन, बंदार सेरी बेगावन, करेंसी है डॉलर। ओके, ये एक एशियन कंट्री है, ये जो है एक एशियन कंट्री है। ओके, ब्रुनेई एशियन कंट्री है, करेंसी डॉलर है, और उसमें प्राइमरी लैंग्वेज बोली जाती है मलाय, प्राइमरी लैंग्वेज जो है बोली जाती है मलाय। आप देख सकते हो ब्रुनेई, फाइन, ये जो है इसकी कैपिटल बरदार सेरी बेगावन। ओके, फाइन, इसके प्राइम मिनिस्टर, ये कंट्री जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रूल की जाती है। प्राइम मिनिस्टर है हसनल बोल किया। ओके, फाइन, मजे की बात एक बता दूं आपको, ये जो ब्रुनेई है, फाइन, ये यहाँ पे देखिए, इनके जो पीएम मैंने आपको बताया हसनल बोल का, ये आपको ध्यान में रखना है 1984 से इनके एक ही पीएम है। ओके, हसनल बोल का 1984 से जो है एक ही पीएम है। इनकी एज है अभी फिलहाल में 73 इयर्स। ओके, 73 इयर्स जो है इनकी करंटली एज है। 1984 से जो है करीब से करीब 34 to 35 इयर्स हो गए एक ही जो है इनके पीएम है। फाइन, इस ये छोटी सी कंट्री है ब्रुनेई। ब्रुनेई की पॉपुलेशन आपको बता देता हूँ 4.29 लाख। ओके, 2018 के हिसाब से जो है इनकी पॉपुलेशन निकल के आती है। फाइन, इसके आजू बाजू में आप देख रहे हो ब्रुनेई की कुछ भी नहीं है। फाइन, ये एशियन कंट्री जो है छोटी सी आपको थी, मैंने बता दी। फाइन, तो ये जो कंट्रीज है स्टूडेंट्स, ये 20 से चालू होने वाली कंट्रीज थी। तो इसको जो है मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो 20 से स्टार्ट होती होने वाली कंट्री है, उसको आप अच्छे से जान लो। फाइन, वीडियो को आप रिवर्स करके बार बार देख लेना, ताकि अच्छे से वो जो है आपको मगव हो जाए। ओके, तो आपके लिए कुछ असाइनमेंट है,
आपको जो है ये तीन कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी मुझको लिखकर कमेंट बॉक्स में देनी है। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कैपिटल और करेंसी ये तीनों देश की, मालदीव्स, मॉरिशियस और ओमन की। फाइन, सो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।